उनकी चाटुकारिता के लिए पेश किया गया बजट है, बंद करने की हिम्मत नहीं की। मोदी जी सपने दिखा के चले गए, पिछले में भी सपने दिखाए थे, इस बार भी सपने दिखा रहे हैं। अब उनके चेले चपाटे सपने दिखा रहे हैं तो, और मुंह धो धो के देखा है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, बाकी जो कहेंगे मैं करूँगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी से उम्मीद थी कि ऐसा बजट पेश करेंगे कि प्रदेश को एक नई दिशा देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, परंतु बजट के अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जल फैलाकर उन्होंने 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है, वो पूरी तरीके से सपना है, हमें खोखला नजर आता है। और ये मुझे कहना है कि जितने बार नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने लिया, उतने बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। ये पूरी तरह ऐसा लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करने के लिए, उनकी चाटुकारिता के लिए पेश किया गया बजट है, और इसलिए इसमें उन लोगों के जो दिए हुए वचन थे, वो मेरे पास अभी लिस्ट बनवा रहा था, इसीलिए देरी हुई। ये गारंटी, मोदी की गारंटी, ये 15 गारंटी जो उन्होंने मोदी की दी है, ये 15 गारंटियों का नाम उसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की बजट है। हमारा कोई काम ऐसे कम तो नहीं किया है, सभी कामों में उन्होंने अपना धनराशि देने की आवश्यकता समझी है, कोई काम बंद करने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब हमारा काम छत्तीसगढ़ के हित में था, यहाँ के गरीब आदिवासी युवाओं के हित में था, अनुसूचित जाति के हित में था। और अभी जो सिर्फ नाम बदल बदल करके उसको नया कलेवर पहनाने की जो उनने कोशिश की है, वही एक कोशिश है। और यह बजट किसी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई योगदान करने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी के विजन के अत्यधिक हम लोगों को निराशा हुई है, और ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के महतारी वंदन योजना को उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के दिखाया है, मगर उसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है वो नहीं दी जा रही है। एक लाली पाप ही साबित होगा। और यह बजट व्यवसायियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए नए पैसे कमाने के लिए एक रास्ता बनेगा, और गरीबों का कहीं कल्याण संभव नहीं है। आप कहें तो मैं इसकी कॉपी करा रहा हूं। ये 15 योजनाएं जो राजी उनके गारंटी की है नरेंद्र मोदी की, वो 15 गारंटी का कोई भी जिक्र नहीं। ठीक। और उन्होंने तुलसी बाबा को याद किया है, मैं भी तुलसी बाबा को याद कर लेता हूँ। कोई है तुलसी पावस के समय, तिवारी जी, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। हर समझ रहे हैं ना, जब पानी बरसात शुरू हो जाती है तो कोकिला चुप हो जाती है, क्योंकि मेढक लोगों के चिल्लाने का दिन आ जाता है। तो अब तो उनके दिन है भैया, वही बोलेंगे, उन्हीं की आप सुनेंगे। थैंक यू। मगर उसमें किसान के किस क्षेत्र को लाभ मिलेगा अभी तय नहीं है। सपने तो बहुत दिखाए हैं, हम नहीं कह रहे हैं सपने कम दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं। अब देखते हैं वो सपने कितना पूरा कर पाते हैं। जिस तरह मोदी जी सपने दिखा के चले गए,
पिछले में भी सपने दिखाए थे, इस बार भी सपने दिखा रहे हैं, अब उनके चेले चपाटे सपने दिखा रहे हैं, तो किसका सपना कितना सच होता है देखना। ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग उसे धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने नरसिम्हा राव जी को अब मैं चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत सीनियर रहे हैं मेरे, मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, मगर बार बार निर्देश आसंदी से ही आ रहा है कि किस में जांच होना है, किस में सस्पेंड करना है, किस में श्वेत पत्र जारी होना है, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। क्या यही बात आप उस विषय पर भी कहेंगे जो एक अन्य विषय आ जाए जिस पर समिति घोषणा हुई, राम वन पथ गमन मार्ग, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर जहाँ मूर्ति नहीं लगनी थी लग गई तो उनकी सरकार आ गई है, ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर तो कर सकते हैं लोग, दूसरी जगह स्थापित कर दें। अगर उनको गलत लगता है कि यहाँ रामचंद्र जी की मूर्ति लगी वो गलत है तो बदल देना उसको, हम लोग कुछ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विश्वास के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को जहाँ लगवाना था उन्हें लगवा दिया, आपको अब नया राम गमन पथ बनाना है या शॉर्टकट बनाना है या हाईवे बनाना है तो वहां और मूर्ति लगाइए, स्वागत करेंगे।